जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों के कमेंट रहते हैं कि सर हम आरपीएफ की तैयारी करें, एसएससी जीडी की तैयारी करें, एसएससी जीडी और आरपीएफ में से कौन सी बेस्ट रहेगी हमारे लिए, कौन सी कोर्स इन दोनों में से बेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी तैयारी करते हैं, वो दोनों की तैयारी कर रहे हैं अभी, आरपीएफ कॉन्स्टेबल और एसआई और साथ में एसएससी जीडी। तो उन बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर आरपीएफ कॉन्स्टेबल बेटर रहेगा, एसएससी जीडी बेटर रहेगा। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, आरपीएफ कॉन्स्टेबल में आपके पास में एक ही जो होती है पोस्ट, कौन सी? आरपीएफ कॉन्स्टेबल, ठीक है। एसएससी जीडी के द्वारा आपको 8 फोर्स में जाने का ऑप्शन मिल जाता है, कौन कौन सी आप सभी को पता है, एनआईए, एसएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसबी, ये 8 फोर्स मिल जाती है किसमें? एसएससी जीडी में। दोस्तों दोनों का जो पे स्केल है वो बिल्कुल समान है, 21,700 आरपीएफ कॉन्स्टेबल का है, 21,700 ही एसएससी जीडी का। पे स्केल वाइज दोनों ही बराबर है, लेकिन दोनों की जो ड्यूटियाँ बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का जो काम करने का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों की जो ड्यूटियाँ बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, उसका पीछे रीज़न क्या? क्योंकि एसएससी जीडी में कोई एक फोर्स नहीं है, एसएससी जीडी में आपको 8 फोर्सेज है और 8ों फोर्सेज का अलग अलग काम है। एनआईए का एक अलग काम है, बीएसएफ का अलग काम है, सीआरपीएफ का अलग काम है, सीआईएसएफ का अलग काम है, जितनी भी फोर्सेज हैं इन सभी का क्या अलग अलग काम है, ठीक है। ये सब आप सभी को पता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के रूप में, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के रूप में, इन्हें अलग अलग काम है सभी का। और जो आरपीएफ कॉन्स्टेबल है इसका एक ही काम है कि आरपीएफ कॉन्स्टेबल आप सभी को पता है जो रेलवे में प्रोटेक्शन देते हैं, रेलवे स्टेशन के जो प्रोटेक्शन में होते हैं, या ट्रेनों में आपने जितने भी कॉन्स्टेबल देखे हैं जो रेलवे प्रोटेक्शन में रहते हैं, वो सभी आरपीएफ कॉन्स्टेबल के द्वारा भर्ती होते हैं दोस्तों। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, इनका जो ज्वाइन करने का क्राइटेरिया है उसमें काफ़ी फ़र्क है। इनका जो बड़ा फ़र्क है वो है ज्वाइन करने का क्राइटेरिया। आप सभी को पता है एसएससी जीडी और उसका फिजिकल का बहुत अंतर है। कई जगह एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो उनसे टफ है, कहीं उससे कमज़ोर है। टफ और कमज़ोर क्या है, मैं आपको पहले जैसे दोनों के फिजिकल क्राइटेरिया बता चुका हूँ, लेकिन एक छोटी सी अगर जानकारी दूँ तो आरपीएफ कॉन्स्टेबल में हाइट चाहिए 165 सेमी लड़के के लिए, और एसएससी जीडी में चाहिए 170 सेमी, यानी 5 सेमी ज़्यादा। लड़कियों के लिए दोनों में हाइट बराबर है, 157 सेमी। एसटी कैटेगरी के लिए कम है, ठीक है, वो मैं कैटेगरी वाइज आपको बता चुका हूँ। आरपीएफ कॉन्स्टेबल में एड क्या होता है, इसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसमें आपको 5 मिनट 45 सेकंड का समय मिलता है, साथ में 14 फीट लॉन्ग जंप और 4 फीट हाई जंप होता है। जबकि एसएससी जीडी की फिजिकल में ऐसा कुछ नहीं होता, 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, उसके अलावा और कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती। बाकी आपका चेस्ट का मेजरमेंट दोनों में समान है, हाइट में फ़र्क है ही, वेट दोनों में समान है, कम से कम लड़के में 45 केजी और लड़की में 40 केजी होना चाहिए। तो ये तो इनके जो क्राइटेरिया उसमें फ़र्क, एग्जाम में भी फ़र्क है, क्योंकि आरपीएफ कॉन्स्टेबल में हिंदी नहीं आती, इसमें हिंदी आती है, एग्जाम में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सिलेबस पूरा का पूरा सेम है, लेवल दोनों का सेम है, दोनों के लेवल में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो लेवल में बिल्कुल फ़र्क नहीं है, दोनों में 10th पास है, दोनों की दोनों वैकेंसी और दोनों का जो लेवल रहता है पेपर बराबर है। लेकिन जो रेलवे का पेपर आता है वो रेलवे के हिसाब से आता है, और एसएससी जीडी का पेपर आता है वो एसएससी जीडी के हिसाब से आता है दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि एसएससी जीडी के पैटर्न के ऊपर मैं पूरा का पूरा वीडियो बना चुका हूँ। अब बहुत सारे जो बच्चों का जो मेन क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, बेस्ट वो आप पर डिपेंड करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है फोर्स में लगना, फौजी बनना, वो सपना होता है कमांडो बनना, लेकिन आरपीएफ कॉन्स्टेबल में आपको ये मौके नहीं मिलेंगे। और एसएससी जीडी के द्वारा आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्स्टेबल रैंक से दोनों की बेस्ट करें तो बिल्कुल आरपीएफ का जॉब भी अच्छा है और एसएससी जीडी में जो जॉब लगते हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन एसएससी जीडी के कुछ जॉब ऐसे हैं जो आरपीएफ से कहीं ज़्यादा बेटर है, जैसे एनआईए, एसएसएफ, ये बहुत ही अच्छे जॉब है, आपको पता है, सीआईएसएफ, ये कहीं जो ऐसे जॉब है वो काफ़ी अच्छे जॉब है, जो आरपीएफ कॉन्स्टेबल से काफ़ी अच्छे जॉब है बहुत सारे। और कुछ जॉब ऐसे हैं जिनमें आरपीएफ कॉन्स्टेबल की जो जॉब है उनकी बजाय आरपीएफ कॉन्स्टेबल की जॉब भी अच्छी है। अगर आप वास्तविकता देखोगे तो जैसे अगर आप एनआईए में सेलेक्ट होते हो एसएससीजीडी के द्वारा, तो वो जो आपको पता सीबीआई लेवल का जॉब है, शानदार जॉब है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो कहाँ आरपीएफ कॉन्स्टेबल, हाँ लेवल भले ही पेमेंट का दोनों में सेम है, सैलरी स्केल सेम है, सुविधा बिल्कुल दोनों में सेम है, दोनों का दोनों गृह मंत्रालय का दिन आती है, दोनों को दोनों मेडिकल सुविधाएं सेम है, दोनों की जो एनपीएस सुविधा है वो भी सेम है, वेतन भत्ते वो भी सेम है, लेकिन वो जो रिस्क अलाउंस का फंडा उसमें अलग रहता है, इनमें ट्रेन के हिसाब से रहते हैं, उसमें रिस्क अलाउंस के हिसाब से रहते हैं, इनमें जो ट्रेन में जिस ड्यूटी चलती है उस हिसाब से इनके वेतन भत्ते रहते हैं, उनके वेतन भत्ते अलग रहते हैं, इनकी छुट्टियाँ अलग रहती है, उनकी छुट्टियाँ अलग रहती है, तो वो तो एक अलग अलग फोर्स है दोनों, इसमें कोई संदेह नहीं। जो लेकिन जो वेतन का जो स्केल है वो दोनों का क्या है, बराबर है, वेतन में कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको फौजी बनना है या रेलवे में आरपीएफ कॉन्स्टेबल की जॉब करना है। दोनों की अगर जॉब प्रोफाइल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोस्तों, सुविधाएँ दोनों को सेम है, मेडिकल सुविधा से लेकर सीपीसी कैंटीन सुविधाएँ तक, टोटल की टोटल क्या सुविधाएँ बिल्कुल सेम है, सुविधाओं में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, साथ में इस बात को आप
ध्यान रखें कि एसएससी जीडी के द्वारा क्या है कि आपको इन फोर्सेस में कोई सी भी फोर्स में इतने आप सबको ऑप्शन मिलता है, 8 फोर्स का आपको ऑप्शन मिलता है, 8 फोर्स का। इनमें से आप किस में भी जॉब कर रहे हो लेकिन उसमें से एक है, साथ में उसका जो फिजिकल है वो टफ भी है। हाँ, उसमें हाइट कम है लेकिन फिजिकल उसका टफ है। तो जिन बच्चों का फिजिकल थोड़ा सा कमज़ोर है, हाइट अच्छी है, तो वो एसएससी जीडी की तैयारी करें। जिनका फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग है वो फिजिकली फाइट कर सकते हैं, वो दोनों की तैयारी करें। और जिनकी हाइट 165 सेमी है या 170 से कम है तो वो आरपीएफ कॉन्स्टेबल की तैयारी करें। लेकिन अभी आप किसी की अगर एसएससी जीडी की तैयारी करें तो आपकी आरपीएफ कॉन्स्टेबल की तैयारी बिल्कुल साथ में हो रही है, उसमें कोई अलग नहीं है। रीजनिंग, जीके और मैथ है, तो वो तो आप इसमें वैसे ही तैयारी कर रहे हो ना, तो दोनों में से अच्छी कौन सी भी है आपको डिसाइड करना है। मैंने दोनों की जो खास खास बातें हैं वो बता दी है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी फोर्स में जाना है। दोस्तों, जय हिंद।